आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को कुछ बातें कहने वाली हूँ खर्च के बारे में। ऑब्वियसली खर्च के बारे में बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी डोंबिवली के डॉक्टर को कॉल की थी। बॉडी को डिटॉक्स कराना है ना मुझे। मैं डॉक्टर स्मिता मैम के पास गई थी अपने इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपको बॉडी को डिटॉक्स कराना चाहिए। तो मैं इनको बोली थी कि ठीक है, आपका एक ब्रांच डोंबिवली जो मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, वहां मैं करा लूंगी। तो यही मैं जूस पी करके वहां जाने वाली थी डॉक्टर से मिलने के लिए। फिर मेरे माइंड में आया कि कॉल ही कर लेते, कॉल करके पूछ लेते खर्च के बारे में, उसके बाद डिटॉक्स कराना स्टार्ट करा देंगे बॉडी का। तो मैं कॉल की तो खर्च उन्होंने बताया, और जो खर्च उन्होंने बताया वही खर्च मैं अपने हस्बैंड को बताने वाली हूँ, क्योंकि खर्च तो मेरे हस्बैंड करेंगे। तब तक इनको अंदाजा लग गया कि खर्च के बारे में मुझे पता चल गया, लेकिन खर्च कितना करना है ये इनको अभी तक नहीं पता है। कितना खर्चा है? 3 तरह का बॉडी को डिटॉक्स कराना रहता है, मतलब कि एक सुपर है, डायनेमिक है, पावर है। तो मुझे पावर लिखा गया है। तो पावर सबसे लोएस्ट वाला है या सबसे हाईएस्ट? मीडियम में। सुपर ज्यादा महंगा है। ओके। मेरा मीडियम वाले पावर वाला है। कितना खर्चा? 34,999। 35,000? हाँ, 1 रुपए का। मेरी तो लुटिया डूब गई। 35,000 रुपया। अभी मेरा 5,000 का चल रहा है दवाई, और आधी का चल रहा है दवाई, वो 2,000 रुपया पर मंथ का। 7,000 तो महीना बंद गया है दवाई के पीछे। तो उसमें क्या क्या कराएगा बॉडी डिटॉक्स में? उन्होंने कहा है कि 40 थेरेपी होगी, 40 सेशन चलेगा, और 2 ऐसे देंगे। 1 महीने का? 20 से 25 दिन लगेगा, मतलब 1 महीना। टोटल 42 थेरेपी मिलेगा, 42 सेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिन लगेगा 42 सेशन देने में। तो किसी दिन आपको 1 थेरेपी मिलेगी, या किसी दिन आपको 3 थेरेपी भी मिल जाएगी। इस तरह से आपको लगभग 25 दिन में 42 आपका हो जाएगा। क्या है डिटेल थेरेपी का? वो मुझे नहीं पता, वो तो डॉक्टर से मिलके जानना पड़ेगा। तो मेरा तो हालत खराब हो गया। 35,000, 20,000 रुपया रहेगा तो सोच भी सकेंगे। वो भी हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20,000। वही तो बोल रहा, 10-15 हजार तो ठीक है, चलो वी कैन मैनेज। एक थेरेपी है 6 है, और 6,000 का वो एक दिन में दे देते हैं। 6,000 का पर एक दिन में दे देंगे, एक ही दिन में 6,000 रूपए। स्वा तो पता करते हैं ना कौन कौन सा थेरेपी, पता कर लेते हैं। उतना तो आइडिया मुझे हो ही गया है ना, योग्राम जाके कि कौन से थेरेपी कैसे क्या करनी। जो घर पे कर सकते हो कर लेंगे, और जो नहीं कर सकते वो वहाँ करा लेंगे। तो वो बोलेगा कॉम्बो पैक है पूरा लेना है तो? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, बात करना पड़ेगा ना जाकर के, उसी के लिए तो जा रहे हैं। मेरा तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ा दी है। नहीं, आपको इतना खर्चा नहीं करेंगे। ठीक होना भी जरूरी है और इलाज कराना भी जरूरी है, बात कर लेते, डिटेल से जाएंगे तभी पता चलेगा। तो मेरा जूस ये बहुत गर्म है, तो अभी पीने लायक हो गया नॉर्मल, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। पहले जब भी इधर आती थी तो ये खट्टी मीठी चीज़ें मैं घर लेके जरूर जाती थी, अभी तो बस देख के मन ललचाते रहती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मैं अपना फेवरेट फ्रैंकी खाती थी। मैं तो यहाँ कंफ्यूज हूँ, इस साइड मैं बहुत पहले आई थी पतंजलि का मेडिसिन लेने के लिए आई थी, जब मेरी सांस बहुत फूलती थी ना, और उस समय भी बहुत फूल रही थी। उसके बाद मुझे कभी क्रीम चाहिए होता था तो मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी इधर, और उसके बाद मैं सेकंड टाइम इधर आई, पर मुझे ढूंढना पड़ा कि कहाँ। हाँ, मिल गया, ये रहा, फर्स्ट फ्लोर में है, याद आ गया। मैं ना अपने चेहरे पे बहुत सारा क्रीम ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। उस समय मैं गई थी पिछले साल युग्राम, तो वहाँ पे मैं पतंजलि का एक क्रीम ट्राई की थी, किसी ने मुझे सलाह दिया था। तो मैं जब वो क्रीम ट्राई की ना, तो वो मुझे बहुत सूट किया, और उस क्रीम के अलावा मैं दूसरा कोई क्रीम लगाती ही नहीं हूँ। कैसे जाना पड़ता है, ऐसे बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर में है, पूरा सुनसान सुनसान सा लग रहा है ये, पूरा खाली खाली। कोई अकेली लड़की आएगी ना तो वो डर जाएगी, मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, और उस समय भी कोई नहीं था दुकान में, सिर्फ एक लड़का था। अभी मैं आ रही, आप देखिए ना, पूरा खाली खाली सा, परेशान। इस फ्लोर में सिर्फ यही पतंजलि का दुकान है, और मैं
सिर्फ इकलौती कस्टमर थी और कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हालांकि डॉक्टर बैठते हैं शाम के टाइम में, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी उसमें डॉक्टर बैठे हुए थे और बहुत अजीब सा लगा था पहली बार जब आई थी। लेकिन हाँ, दुकानदार अच्छा है तो सेकेंड टाइम डर नहीं लगा। और मैं तीन क्रीम ले ली हूँ, देखिए ये तीन क्रीम है। ये क्रीम ना जल्दी किसी और पतंजलि दुकान में मिलता नहीं है, तो इतना दूर बार बार आना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मिल गया स्टैंड का दुकान, अब देखते हैं यहाँ पे स्टैंड पसंद आता है या नहीं। स्टैंड है भैया, रेट कम नहीं लगाइएगा, 170 लास्ट है। क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो छोटा साइज का हो गया ना, 120 लगा दीजिए। ये हम ले लिए हैं, बाकी रह गया लाडो का न्यू ड्रेस उसके बर्थडे के लिए। और बाबा गाड़ी आ गया, दिन में डर गई मुझे ना गाड़ी से बहुत डर लगता है रोड क्रॉस करने में। मुझे लाडो के लिए लेना है न्यू ड्रेस उसके बर्थडे के लिए, तो देखती हूँ पसंद आता है या नहीं आता है। और अपने हस्बैंड के लिए नो डाउट लेना है गुलाब जामुन। और स्टेशन तरफ आई है तो लॉटरी तो लेना ही लेना है। बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं तो छाता लेके आई ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे छाता लेना पसंद नहीं है, तो गुलाब जामुन ले लिए। लाडो के लिए कपड़ा मैं देखने के लिए तीन चार दुकान गई लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और जो पसंद आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन उसके लिए तो अच्छी ड्रेस लेनी ही लेनी है बर्थडे के लिए, तो किसी दिन और आऊँगी उसके लिए स्पेशली ड्रेस लेने के लिए। तो अभी मैं जल्दी से ऑटो करती, बहुत बारिश स्टार्ट हो गई है। सब्जी काट रहे मम्मी, अभी तो खाना बनाने की तैयारी भी कर रही है। यहाँ कोई नहीं है, पूरा घर अंधेरा है। मम्मी घर में कोई नहीं है, नीचे अच्छा नीचे गए हैं, सब लोग नीचे हैं और मुझे कोई नीचे दिखा ही नहीं। कहाँ गया है लोग? अरे हम तो ढूंढ रहे थे। अरे मम्मी तुमको बहुत ढूंढ रही थी, कहाँ गई थी? चप्पल लाने गई थी? हाँ। किसका? मम्मा का चप्पल कहाँ लाने गई थी? अरे तुम चप्पल खरीदा है क्या? तो वो कह रही कि चप्पल लाने गई थी। तुम ये वाला लाई? हाँ। वो तो पहले जैसा ही है। पहले जैसा नहीं है, ये हाइट में छोटा है लेकिन ये यहाँ से ना फ्लेक्सीबल है। अच्छा ये, हाँ ये यहाँ पे मूवेबल है, उसमें नहीं था। नहीं वो ये खाली टॉप में था उसका, बट ये यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, मतलब तुम नीचे का चीज भी यहाँ से जितना चाहे उतना नीचे कर सकते हैं, नीचे कुछ भी स्टैंड करके। जैसे इसमें क्या रहता है ना, नीचे हम कुछ लिख रहे हैं या फिर प्याज कटिंग करे, कुछ भी रेसिपी होगा तो वो कर सकते हैं। और सामने से आप देख लीजिए, ये घुमा सकती है इधर भी, कहीं ऊपर भी कर सकते हैं। ऊपर कीजिए, हाँ ये देखिए ऊपर, तो इतना ऊपर उसमें नहीं होता था। नहीं वो तो फिक्स था, यहाँ ये वाला बैंड नहीं था उसमें। नहीं देखो ना, ये वाला बैंड नहीं है इसमें, ये फिक्स है इसमें, ये देखो ये फिक्स है, खाली ये मूवेबल था। बट ये मूवेबल है प्लस ये भी है प्लस राउंड भी होता है, कहीं से भी घुमा सकती है, इसीलिए तो हम लिए है। ये कितना लिया इसका? ये 120 रुपीज। 120 ये कितना लिया था? वो 250 का था। चलो बच गई, मतलब तुम्हारे सही भी हो गया और पैसे भी कम लगे। पिछली बार लगता ठग गई थी। अब ठगे या ना ठगे वो डिपेंड करता है ना लाडो पे, अगर ये टिकेगा तो ठीक है। नहीं है ना? नहीं ये फिक्स नहीं, ये नीचे से घूमता, यहीं से तो वो टूटा है ना, पर ये खोलने वाला है, घूम रहा है, तो यहाँ से भी टूटने का डर नहीं है। ये डर नहीं है टूटने का, हाँ, पर स्लिप लूज हो सकता है, बट बेटी को हाथ मत लगाने देना, नहीं तो फिर पिछले बार जैसा ये भी कर। लाडो तोड़ोगी नहीं ना? तो मेरा दोनों स्टैंड तोड़ी, दो लाए दोनों तोड़ दियो। तीन क्रीम फाइनली तुम ले आई, इसका फेवरेट है ये, अभी करेंटली इसका फेवरेट क्रीम है जो कि इसको सूट करता है। इसको कौन? दीप्ति जायसवाल को। ये क्रीम वो भाभी को भी चाहिए था, उनको भी चाहिए। हाँ। मेन प्रॉब्लम क्या आता है ना, ये क्रीम जल्दी कहीं मिलता ही नहीं है, पतंजलि का स्टोर में भी जल्दी नहीं मिलता, स्टॉक में हमेशा नहीं रहता है। नहीं रहता ये, तो मैं तीन बार घूम के आया हूँ, इनको भेजे हैं कई बार, तो ये तीन बार घूम के आए हैं। और मेरे पड़ोस में भी एक है भाभी, तो उनको भी ये क्रीम बहुत पसंद है, वो मेरा देखी ना तो वो यूज करने लगी, तो उनको भी बहुत पसंद है।
तो तीन है उनको एक दे देंगे तो फिर खत्म होने के एक महीना पहले फिर जाना पड़ेगा स्पेशली लाने। तो तुम बता देना एडवांस ले मुझे। वो एडवांस पैसा भी दे दी थी कि मेरा ला दीजिए। नहीं मिलता ये स्टॉक हमेशा रहता नहीं है, खाली खाली हो जाता। सिर्फ यही क्रीम यूज करती हूँ, सौंदर्य एंटी एजिंग क्रीम। सच ये मेरा फेस ना ड्राई फेस है तो ड्राई फेस के लिए ठीक है, और सच में इससे ना रिंकल्स कम होता है। तो मेरा रिंकल्स बहुत हो गया था जब मैं बीमार पड़ी थी ना, तो पूरा ये दोनों आंख के साइड में यहाँ पे ये फोरहेड में रिंकल्स हो गया था। तो कॉस्ट भी है ना 300। हाँ 300 15 ग्राम का है, 15 ग्राम का क्रीम है सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए में तो मेरे बहुत सारे क्रीम आ जाएंगे। और आपके लिए लाए फेवरेट मेरा गुलाब जामुन। हम सोचे गुलाब जामुन नहीं, हम मम्मी को यही बोल रहे थे, वो गई है पर हम उसको बोले नहीं है, वही वो लाएगी ना भूल जाएगी पता नहीं, तो ले आई। अच्छा की मेरे को फेवरेट है, मैं मम्मी को यही बात बोल रहा था गुलाब जामुन। स्टेशन जाने से दो चीज आता ही आता है, एक गुलाब जामुन और एक लॉटरी। तो लॉटरी मिला ही है, लॉटरी मिला है। कौन सा तारीख का है ये लॉटरी है? ये तो छोटा वाला ली है। हाँ तो छोटा वाला लिए ना, कुछ ना कुछ तो लेना ही था ना, इसलिए इस बार 10 रुपए वाला लॉटरी लाई हूँ। इसमें फर्स्ट प्राइस 10,000 है। हाँ तो स्टेशन जाने छोटा से ही शुरुआत करते हैं। बहुत ले लिए जी, 25 लाख का भी ले लिए, 50 लाख का भी ले लिए, 10,000 का भी ले लेते हैं, कुछ भी उठ जाए। तो अभी हम लोग सब खाएंगे गुलाब जामुन, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे अलावा तो सब लोग खाएंगे। तो करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय टाटा बाय बाय।